कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार के रुख पर बड़ा बयान दिया है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बातचीत के दौरान राहुल ने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखने की भारत की नीति का समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा, हमारे रूस के साथ संबंध हैं, हमारी रूस पर कुछ निर्भरताएं हैं, इसलिए मेरा वही रुख है जो भारत सरकार का है। राहुल ने कहा कि आखिरकार भारत को अपने हितों की ओर देखना होगा, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है जहां सामान्य तौर पर उसके दूसरे देशों के साथ संबंध होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये इतना छोटा और आश्रित नहीं है कि इसके केवल एक के साथ संबंध हों, किसी और के साथ नहीं। राहुल ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का भी समर्थन किया, साथ ही उत्पादन की जरूरत, डेटा और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इन द्विपक्षीय संबंधों में केवल सुरक्षा और रक्षा के पहलू पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। वहीं राहुल ने चीन को लेकर कहा कि चीन भारत पर कुछ थोप नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के संबंध सामान्य नहीं हैं। राहुल ने कहा, ये अभी मुश्किल है, मेरा मतलब है कि उन्होंने हमारे कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, ये मुश्किल है, ये इतने आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा, भारत पर कुछ थोपा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध लगातार जारी है। साल 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पों के बाद संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे।